नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज की वीडियो में हम द केरला स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ये रिव्यू नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूँ। पिक्चर में एक डायलॉग दिखाया गया है कि आपके भगवान कैसे भगवान हैं जो उनकी पत्नी मर जाती है तो उसके बाद वो बिलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे भगवान ऐसे नहीं रोते हैं। इस डायलॉग पर कई टिप्पणियाँ आ रही हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि भाई इस पिक्चर को बैन करवाओ, आपके भगवान के बारे में गलत बोला है। मुझे ऐसा लगता है भगवान के बारे में गलत नहीं बोला है भाई, उन्होंने बताया है। अगर आपको अपने धर्म की जानकारी नहीं है और कोई आपसे कुछ बोलता है तो आप कैसे करके जवाब देंगे या क्या जवाब दे सकते हैं? जबकि आपको देना चाहिए सही जवाब और वो आप नहीं दे पाएंगे टाइम पर। तो इसके ज़रिए जो लोग हैं वो ही बताने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म में। तो वो फिल्म में कोई डायलॉग भगवान के बारे में बुरा नहीं बोला गया, उन्होंने ये बताया अगर कोई गलत आदमी, कोई जो आपके धर्म का नहीं है और आपके धर्म की मजाक बनाता है और आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे कि फिल्म में वो लड़कियां नहीं दे पाई, वो शांत हो गई थी। तो इसलिए हर हिंदू माँ बाप को, जो भी हिंदू हैं, उनको अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने धर्म का ज्ञान उन्हें नहीं करवाएंगे तो उनको ज्ञान होगा नहीं, और जब उन्हें ज्ञान होगा नहीं तो उनसे कोई भी गैर धर्म का आदमी आके, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या वो कोई और धर्म हो, आगे उनसे उनके भगवान के बारे में उल्टा सीधा कह सकता है और उनको शांत रहना पड़ेगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अपने धर्म के बारे में, अपने भगवानों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनको सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं बताएंगे, देखिए उनको ये मत बोलिए कि यही बेस्ट है या जो भी है, लेकिन उनको उसका ज्ञान जरूर करवा दें। जैसे अगर हम किसी को सेब खाने के लिए देते हैं तो सेब का गुण बताते हैं ना कि इसमें कैल्शियम मिलता है, इसमें ये मिलता है, वो मिलता है। कोई सेब खा रहा है, उसको उसके बारे में पता ही नहीं है तो वो सेब तो खा रहा है, और किसी दिन कोई बोलेगा सेब क्यों खा रहा है, इससे क्या फ़ायदा, तो वो चुप हो जाएगा, बोलेगा इससे अच्छा तो दारू पी, तो फिर वो दारू पीने लगेगा। क्योंकि और जब वो दारू पीने लगेगा किडनी लीवर सड़ जाएगा, तब उसको गलती का रियलाइज होगा कि उसने कितना गलत काम किया था दारू पी के। अगर उसके बाप ने, उसकी माँ ने उसको बताया होता कि सेब खाने के क्या फ़ायदे हैं, सेब खाने से डॉक्टर दूर रहेगा, तो वो सेब ही खाता रहता ना, दारू क्यों पीता, सिगरेट क्यों पीता, गुटखा क्यों खाता। तो सेम ऐसे ही है कि भाई वो कोई गलत टिप्पणी नहीं है, फिल्म बैन करवाने वाली बात नहीं है, किसी के बारे में कोई बात बतानी पड़ती तो उदाहरण देने पड़ते हैं, तो वो उदाहरण है। अगर वो डायलॉग उसमें होंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है? तो इसलिए मेरे हिसाब से केरला स्टोरी मूवी जो है वो देखने लायक है, ज़रूर देखनी चाहिए। और बस मेरी यही वीडियो थी, यही कहना था। तो हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय हो।